जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं नोटिस कर रखा हूँ कि आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लॉन्च हुआ है जो कि वैकेंसी से रिलेटेड। ओके, तो पैरामेडिकल में जो भी वैकेंसी होगा, हर एक वैकेंसी, हर एक ब्रांच के लिए वैकेंसी, OT, LT, GNM, ANM, BSc, नर्सिंग, बॉयज गर्ल्स, हर एक का वैकेंसी। ओके, लेकिन वो किस पे लॉन्च होगा? एक न्यू चैनल जो कि मैं टैग कर रखा हूँ उस पे। ओके, तो अभी मैं ये भी दिखलाऊंगा कि अभी जो वैकेंसी आ रखा है BSc नर्सिंग में और GNM, जो कि GNM आप लोग कर रहे हो, उनमें टोटल कितना 4050 वैकेंसी है, उसमें सैलरी कितना है। सैलरी देख के आपको लगेगा कि आप लोग को GNM ही करना चाहिए, ठीक है? अभी तक में जो भी कोर्स आप कर रहे हो, सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो GNM का। GNM का एक मंथ का सैलरी, OT, LT, ANM का 3 महीने का सैलरी, क्लियर? तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले करना क्या हुआ, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करना है। ओके, तो मैं आपको वो चैनल पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे अब से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्लियर? मैं अभी एक दो अभी डाल रहा हूँ इस पे, लेकिन अब से सिर्फ उसी चैनल पे मैं डाला करूंगा। ओके, तो देखते हैं कि कैसे आप उस चैनल पे जा सकते हो, उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दिखलाऊंगा कि कितना वैकेंसी आ रखा है। ये देख सकते हो, ये जो पूरा हर एक चीज़, ठीक है? तो आगे बढ़ते हम लोग। ओके, तो सपोज करो ये चैनल आप देख रहे हो, यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है? तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे बाद कुछ नहीं करना है, आपको सीधे नीचे जाना है, ठीक है? नीचे नीचे जानो, पूरा नीचे जाना है। नीचे जाने पे देखो यहाँ पे चैनल आपको दिख रहा होगा, ठीक है? यही चैनल, इसको मैं नेम चेंज करूँगा, जॉब रूट्स करूँगा। ओके, तो क्या करना है, सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये बटन दिख रहा है, ठीक है? बेल आइकन, इस पर क्या करना है, ये बेल आइकन है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख रहे हो कि बेल पे क्लिक कर देना है, इस वाले पे क्लिक करना है। किस पे? जस्ट ए सेकेंड, इस पे। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद अब से आपको मैं टोटल इन्फॉर्मेशन इसी पे दिया करूँगा, जॉब से रिलेटेड, जॉब कैसे पाना है वो भी, ठीक है? और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर एक वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इससे आपको ये भी रियलाइज होगा कि आप जो कोर्स किए उसमें कितना अपॉर्चुनिटी है, ओके, और सैलरी कितना उसमें मिलता है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं अभी का जो जॉब आ रहा है उसके बारे में। तो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ ना कि जो स्टूडेंट जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट करेगा उसके पास उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपको इसका इंतजार नहीं करना है कि मुझे अगले साल ही मतलब करूँगा। अगर आप कैपेबल हो कि प्राइवेट से कर सकते हो तो आप करो इस साल। मैक्सिमम लोग, आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम लोग इस बार प्राइवेट से कर रहा है, इस बार प्राइवेट में भी सीट फुल है। ओके, तो देखो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सिर्फ आपको ये करूँ, ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, जितना ज़्यादा आपके मन है ना, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, जो भी हर एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये ना देखो स्टेट्स, जस्ट सेकेंड, ये देखो स्टेट्स हेल्थ सोसाइटी बिहार, इसके थ्रू वैकेंसी आया है। इसका सैलरी देखो, सैलरी कितना है, कम्युनिटी हेल्थ CHO है, ठीक है? देखो क्या है, पर मंथ 25,000 है, ठीक है? लेकिन आगे पढ़ना है, पर मंथ 25,000 प्लस क्या है, यहाँ देखो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अप टू सम इतना, तो इसमें जोड़ दो कितना हो गया, 20, और ये कितना हो गया, 30, 40,000 है। लेकिन ये क्या होगा, इसके साथ आपको एलवेंस भी मिलेगा, ठीक है? तो टोटल जोड़ लोगे तो 50,000 प्लस कितना, 50,000। DMCH में GNM से जो जिसका इस बार सिलेक्शन हुआ है ना पिछले साल, उसका सैलरी स्टार्ट हुआ है 55,000 से, डायरेक्ट फर्स्ट मंथ का सैलरी उसका 55,000, ठीक है? उसमें बॉयज भी है, मैं बॉयज के बारे में बोल रहा हूँ, उसमें बॉयज का सिलेक्शन हुआ था जिसका सैलरी था 55,000 ज्वाइनिंग से, समझ लो जब उसका ट्रेनिंग पीरियड था, ठीक है? तो अभी कितना होगा, मतलब जो ट्रेनिंग में उतना होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद कितना, 60-70,000, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट नर्स बनोगे। मैक्सिमम को ये पता नहीं होता कि GNM क्या बनोगे, समझ लो आप अपने हिसाब से आप नर्स हो, जो BSc नर्सिंग करके, देखो BSc नर्सिंग है, यानी कि वो नर्स है, तो आप भी नर्स ही हो, दोनों नर्स ही है। ओके, तो इसका देखते हैं कि कितना वैकेंसी है। तो यहाँ देखो 4,050 वैकेंसी है, जस्ट सेकेंड, यहाँ देखो 4,050 वैकेंसी UR के लिए, देखो कितना, इतना UR, इतना EMBC, मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जिस MBC को हम लोग बोलते हैं EBC, क्लियर? मैक्सिमम को नहीं पता होता है MBC क्या है, तो वो EBC है। उसके EBC में फीमेल देखो, फीमेल के लिए इतना, यानी कि इस बार मेल, पहले क्या होता था ना कि सिर्फ फीमेल के लिए आता था वैकेंसी, GNM के लिए, BSc नर्सिंग के लिए, ANM के लिए, लेकिन अब से मेल फीमेल दोनों, ये 2 साल से ऐसा हो रहा है, जबकि उसमें जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल। ओके, टोटल सीट देख लियो आप लोग, कितना किस में कितना वैकेंसी है, उसका यहाँ देखो कौन कौन एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, कौन कौन है। ओके, BSc नर्सिंग पोस्ट BSc हो गया, उसका यहाँ आपका है GNM, देखो ये है ना, GNM विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन, जो जी वगैरह वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ देखो क्या है, एज कितना होना चाहिए, मिनिमम 21 साल वो तो होगा ही आपके पास, नहीं तो आपको कोर्स ही नहीं होगा, आपका कंप्लीट होगा। ओके, उसके यहाँ देखो फीमेल SC ST के, फीमेल UR से है उसका 45, उसके SC ST के लिए 47, और UR EWS से 42, जो एज पूरा आप देख सकते हो क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके अलावा और क्या क्या हम लोग के लिए, ये दो देख लियो टोटल हो गया ना, यहाँ देख लो कब से कब फॉर्म फिल हो रहा है वो देखने आया है, 11 से स्टार्ट है और कितना तक है, 3 मार्च तक है, कब तक है, 3 मार्च, देख रहे हो, 3:30 6 बजे शाम तक, डेट भी दे रखा है, और ओपन होगा 11 तारीख को
स्टार्ट हो गया था कब से, 10 बजे से। ओके, एप्लीकेशन फ़ी देखो कितना है, 500 रुपया चार्ज लग रहा है सबके लिए ही। ओके, ₹100 ओनली फॉर द URBC MBC EWC। और जो SC ST से है ना उनके लिए देखो कितना है, 250 रुपया। ओके, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो और आना है, तो आप जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट करो। अभी तक मैं सबसे हाईएस्ट वैकेंसी में बोला हूँ किसका होता है, GNM का कोर्स, मतलब प्राइवेट से हो सके तो आप प्राइवेट से कर लो, मैं तो बोलूँगा। कोर्स देखो दोनों आपका, अब तो इस साल क्या है, क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलने लगा है ना, आप 4 लाख तक आप लोन ले सकते हो, सब लोग उठा रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा, विदाउट वेस्टिंग टाइम यू शुड ज्वाइन GNM, ओके, एज सून एज यू कैन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल।